तो गाइस आज मैं मेरी कार में प्रोजेक्ट पे फॉग लैंप लगवाने आया हूँ, जो कि कभी बम्पर खोरा हुआ है। IPH के प्रोजेक्ट फॉग लैंप है, अभी आपको दिखाता हूँ। लैंप इसका पूरा इंस्टॉलेशन अशफाक भैया करेंगे। अभी इसके नट बोल्ट लगा रहे हैं इसके, उसके बाद जो ये है ये वाले फॉग लैंप फट जाएंगे और इसकी जगह प्रोजेक्टर लग जाएंगे और उसमें HID का किट डलवाएंगे हम। ये है वो प्रोजेक्टर फॉग लैंप। गाइस को ये प्रोजेक्टर ये लगेगा मेरी बैलिनो में फॉग लैंप के अंदर, IPS के प्रोजेक्टर। ये हाई बीम लो बीम का है, एकदम क्लियर लेंस। तो गाइस अभी इसको ओपन कर रहे हैं इसकी फॉग लैंप की असेंबली को अशफाक भैया जी। यहाँ पे आओ और फॉग लैंप में प्रोजेक्टर लगवाओ। ये हमारी पुरानी लाइट नाइट आई LED, ये मैं इसको बेच दूंगा किसी को चाहिए तो 1000 rupees के अंदर ही कॉन्टेक्ट करें। H11 बल्ब। और ये पेज वगैरह ओपन हो रहे हैं इसके। सो गाइस भैया ने एक तरफ का तो लगा दिया प्रोजेक्टर, कितना अच्छा लग रहा है गाड़ी के अंदर। अभी इस लाइट के तो रात की आते हैं मज़े। और ये पेच वेच यू भी लग गए इस तरफ के तो, एक साइड के तो। ये इनकी शॉप पार्टी का डेकोर नंबर 8955-10-20-30 जयपुर के अंदर है। और अभी दूसरी साइड को ओपन कर रहे हैं असेंबली फॉग लैंप की। ये नाइट आई बल्ब H11। एक तरफ तो लग चुका है फॉग लैंप प्रोजेक्टर फॉग लैंप। गाइस ये होता है फॉग लैंप का कपलर, जो कि अलग हट जाता है, इसमें कोई वायर कट वगैरह नहीं होता। और ये प्रोजेक्टर फॉग लैंप, इसमें भी कुछ भी नहीं होता, सीधा उसमें जाएगा असेंबली में फॉग लैंप की जो होती है, दी होती जो बम्पर के अंदर। बस इसे थोड़ा सेट करने का ज़रूरत रहता है, वो भी आसानी से हो जाता है, इतना कोई माथापुरी नहीं होता। और बाकी अशफाक भैया के हाथों में जादू है। ये देखो कितनी जल्दी हो गया सेट, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन आप कभी भी लगवाओ तो जो एक्सपीरियंस हो पर्सन आप उससे लगवाओ, हर किसी से मत लगवाओ, क्योंकि कोई कुछ काट देता है इसका बम्पर के जो लिंक रहता है, कोई कुछ कर देता है। तो जाओ किसी परफेक्ट पर्सन के पास ही लगवाने के लिए। अब ये तो इसकी लग गई, पेच वेच टाइट हो रहा है इसमें, अब इसमें HID लगाए गए। बस अब वही सोचे कि कौन सी HID लगाए। तो मैं आपको तो गई प्रॉब्लम तो लग चुके हैं प्रोजेक्टर वाले, तो बस ये सोचो इसमें HID कौन सी लगवाई जाए, 55 वॉट की या 35 वॉट की। तो गाइस H8 का बल्ब लग रहा है इसके अंदर प्रोजेक्टर के अंदर फॉग लैंप के अंदर। गाइस इसमें ये सॉकेट टू सॉकेट रहता है, कोई वायर कट नहीं होता, देख लो।
बस पे ये ब्लास्टर आ गए इसके कैनबाग के 55 वॉट के, ये पॉकेट इसमें लग गया। इसमें कोई वायर कट नहीं होता। तो गाइस अब इसमें हाई बीम का दे रहा है कनेक्शन, मतलब हेडलाइट जैसे हाई बीम करेगी तो क्या लो बीम भी हाई हो जाएगी इसकी प्रोजेक्टर की। हाँ रात को इसका वीडियो बना के इसमें अटैच कर दूंगा। अभी इसकी इतनी अच्छी जल रही है लाइटें, अंदर तक फोकस जा रहा है। मेन क्या होता है, आप जब भी एक वायरिंग लगवाओ हाई बीम के लिए तो ये कंपनी का ही लगवाओ। जो ऊपर नाइट आई एलईडी और नीचे एचईडी प्रोजेक्टर लैंप। ये गाइस इसमें बिल्कुल वायर कट नहीं होगा, टेप एक कट लगेगा उसमें लो बीम का कनेक्शन जुड़ जाएगा वायर का। वायर कटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, ये हल्का से कट लगा, वायर नहीं कटा, वायर नहीं कटा कोई भी इसके अंदर। और ये जो लो बीम सा है ऊपर वायर प्रोजेक्टर में से वो इसमें अटैच हो गया थे। तो आप इसको गाड़ी में लगा सकते हो प्रोजेक्टर फॉग लैंप को, बिना डरे बिना वारंटी लूज हुए आपकी गाड़ी की लाइट और अच्छी बढ़ जाएगी एकदम। कोई भी वायर कट नहीं हुआ, टेप हल्का सा टायर के उसके बाद टेप कर दिया और यहाँ पे लग चुके हैं फॉग लैंप के अंदर प्रोजेक्टर। पूरा अंदर तक ग्लेज जा रहा है लाइट का। और गाइस अभी टोटली काम हो चुका है फॉग लैंप का, अब तो बस नाइट का वेट है। नाइट को भी वीडियो इसमें अटैच करके डाल दूँगा और इतना अच्छा लग रहा है। ये प्रोजेक्टर फॉग लैंप लग चुके गाड़ी के अंदर और भी मैंने हाई बीम में कर रखे हैं। ये इसमें भी हाई बीम ऑन कर रखे थे। और अभी ये लो बीम कर देती है जाके और इसमें भी लो बीम कर देती। बाकी तो आपको इसका रात को पता चल पाएगा कैसा रिस्पॉन्स है। ये अभी भी गिर रहा है अंदर शॉप के अंदर, ब्लू लाइन आ रही है प्रोजेक्टर की जो आती है अच्छी कट ऑफ जो जिसको बोलते हैं लाइट का। कितना अच्छा आ रहा है इसके अंदर। फॉग लैंप मैंने अभी हेडलाइट ऑफ कर रखी है, सिर्फ प्रोजेक्टर फॉग लैंप जल रहे इसके और इसका रिस्पॉन्स।
जबरदस्त रिस्पॉन्स मैंने तो क्या एकदम इसको नीचे कर रखा है। और गाइस सिटी के अंदर ये जला के नहीं चलानी चाहिए कार, क्योंकि क्या ये सीधी आंखों में लगती है। मैं भी इनको बंद करके ही चलाता हूँ सिटी के अंदर। हाईवे के लिए बेस्ट है, बट सिटी में जो आगे से आएगा उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए सिटी में इसको ऑफ करके ही चलाएं। क्योंकि मैंने इसको बहुत सेट किया, एकदम इससे नीचे इसकी हुई नहीं बीम। तो ये इसका रिस्पॉन्स। अब हेडलाइट के साथ जलाते हैं। हेडलाइट में अपने बोला कि ये नाइट आई की H4, ये दोनों भी हाई बीम है। अब लो बीम, अब इसे फॉग लैंप, अब दोनों लाइटें।